के ज्ञान न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। भोपाल एनएसयूआई द्वारा आरजीपीवी के कुलपति एवं रजिस्ट्रार द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बता दें कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं छात्रों ने आरोप लगाया कि आरजीपीवी के द्वारा छात्रों को लूटा जा रहा है, उन्होंने अपने प्रभाव से तत्काल हटाया जाए। भोपाल से केकेआर न्यूज के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इस शिक्षा के मंदिर को भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है, पैसे खाने का अड्डा बना रखा है। यहाँ पर बैठे रजिस्ट्रार, वीसी और उच्च आला अधिकारी सब यहाँ पर बच्चों के पैसे खाने का काम कर रहे हैं। लगातार आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार के मामले रोज अखबारों और मीडिया के माध्यम से लगातार आते जा रहे हैं, लेकिन जो रजिस्ट्रार हैं वो तस से मस नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार की धांधली हमारे विश्वविद्यालय में हमारे और छात्रों के पैसों की जा रही है, छात्रों के पैसों को उनकी व्यवस्थाएं सुचारू करने की बजाय अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, इसके विरोध में आज मध्य प्रदेश एनएसयूआई यहाँ प्रदर्शन कर रही है। और हमारी इस प्रदर्शन के माध्यम से स्पष्ट ये मांग है कि रजिस्ट्रार जो है वो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दें। अगर वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं देते हैं तो एनएसयूआई का आज ये सिर्फ सांकेतिक प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन की शुरुआत होकर पूरे प्रदेश में इसकी चिंगारी जाएगी और एक दिन हम रजिस्ट्रार को उनके पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर देंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहे केकेआर न्यूज के साथ। नमस्कार।